खुद से तीनों भी डिफिकल्ट भी रही है, इजी भी रही है, चैलेंजिंग भी रही है, बिकॉज जहाँ पे आप 26 साल की छोड़ के 18 साल की कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो डेफिनेटली चैलेंजिंग हो ही जाता है कहीं ना कहीं. इजी इसलिए रही बिकॉज आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस सीन. जाके करीबन काफ़ी सारी 18 साल की लड़कियों से मिलना, मेरी छोटी बहन के साथ मैं ज़्यादा वक्त गुजारती थी, उनकी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, एंड दिस टू सी द वे दे ईट, ये कॉलेज कैसे जाते हैं, ये समोसे कैसे खाते हैं, इनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें, ये रोते हैं, ये ज़िद्दी कैसे, इन्हें कुछ चाहिए होता है लाइफ में तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हर एक चीज़ पिकअप करना. बट वंस व्हेन आई डिड ऑल दैट होमवर्क इट वॉज प्रिटी ईजी फॉर मी टू वर्क ऑन माई सेट. और चैलेंज ये तो हो गया सब. अच्छा मैंने आपका चैलेंज, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी, इज इट पॉसिबल कि आप कोई भी काम आपको इतने मक्खन के जैसे हो जाए? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. सो एवरीथिंग इन लाइफ इज चैलेंजिंग. मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है. मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, एंड दिस इज़ वेयर आई रीच. सो आई थिंक हर एक दिन ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरे लाइफ में. यानी आपका एक मेकओवर हो गया है इस फिल्म से थोड़ा सा? आई वुड से दैट, यस आई वुड से दैट, बिकॉज बहुत यू नो एक पॉइंट ऐसा आ गया था लाइफ में कि बहुत इरिटेटिंग लग रहा था. मैंने भी एक्टिंग कोर्सेज किए हैं, डांस कोर्सेज किए, सब कुछ किया, बट देन हर जगह यू नो कहीं पर भी जाओ तो वो लोग बस एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैग लगा देते थे जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी फिल्टर व्हेन आई स्पीक. मैं बस दिल से बात करती तो उन्हें लगता नहीं ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है. And yes, I don't deny that I have said stuff in my past. World Cup ki baat kar, I did a publicity stunt. I also know that to become famous, aur main manti hu ye baat. But then that was something that I wanted to reach somewhere. Isliye kiya tha. That doesn't mean ki mujhe wahi karna hai, right? Abhi I'm working hard, so I want people to see this film, The Journey of Karma. I want people to see my acting wala, not. Yeah, so I want people to appreciate जो अभी तक करीबन 7 साल हो चुके मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरा थोड़ा सा आप स्ट्रगल भी देख लीजिए. That's all I want to say. अच्छा भाई, ना ऐसी जो फिल्में अलग सी फिल्में अभी हिंदी में आ रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी उस फिल्म तरह की फिल्म है ना, जैसे देखो ना अभी अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही है तो आपको क्या लगता है उस सेटअप में ये फिल्म भी कंटिन्यू रहेगी? वेल देखिए सर, हर तरह की फिल्म आती है, हर जॉनर की फिल्म आती है. ऑडियंस को अपनी अपनी चीज़ें पसंद आती है. भी रिसेंटली काफ़ी सारी हिट फिल्में चल रही हैं एंड आई एम सो प्राउड यू नो कि इतना अच्छा कंटेंट अभी सारे एक्टर्स को प्ले करने मिल रहा है. एंड आई एम लकी दैट आई एम लिविंग राइट नाउ एंड मे बी आई वुड ऑल्सो गेट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन फ्यूचर. बट आई थिंक कर्मा की कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल द पूनम पांडे एवरीथिंग, इस पिक्चर की कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत. इन वन लाइन में कहानी बताएंगे तो? कर्मा. और कर्मा आपको देखनी पड़ेगी, कल ही रिलीज हो रही है सर. Although you made controversy in the year 2011 World Cup के दौरान, लेकिन you know you didn't destroy anybody's career. वो सिर्फ एक publicity stunt है, आपने खुद कहा. तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो Me Too campaign है और इतने सारे लोगों का career destroy हो रहा है, और आप खुद का अनुभव बताइए कि क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है कि लोग फिजिकली या फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, बस ये मकसद रहता है लोगों का व्हेन इट कम्स टू फिजिकली फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं किसको? पर्सन हु इज aspiring to become an actor, actress. So are you telling that the girls are exploiting the men? No, the girls are being exploited. What's your the opinion? Girls have been exploited, exactly. So see, being a girl, I'm going to support all the girls right now. I don't know इसमें से कितना सच है कितना झूठ है. ये जो पूरा मी टू का ये जो दौर चल रहा है ना, मैंने पर्सनली जितनी स्टोरीज रीड की मुझे बहुत बिलीवेबल लगती है. आई हैव रेड साजिद खान का स्टोरी, आई हैव रेड कपल ऑफ स्टोरीज. मेरी छोटी बहन शी इज़ अ लॉयर, तो शी वॉज इन अ कोर्ट दैट डे. आई थिंक शी सॉ अनुराग कश्यप ओवर देयर फॉर 3 hours एंड कपल ऑफ अदर पीपल एंड शी वॉज मैंशनिंग दिस टू मी. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस इशू है, ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है. आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की इतना बड़ा सीरियस इशू
आके एक 15 मिनट्स के फेम के लिए कुछ भी बोलेगी सर. सो आई थिंक वी गॉट टू सपोर्ट देम. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग हियर. या but still I mean sometimes it's believed to be that people who are you know looking for work as such due to frustration or due to some lack of you know communication there is a this kind of misunderstanding between two people. Saath kehte hain is bare mein ki see misunderstanding itni badi misunderstanding to nahi ho sakti. Ye bahut zyada badi misunderstanding hai. So I would not use that word. It's a sexual harassment. Recently, my name, I can say the name. I think I read about Afsar. I've said I've read couple of names. मैंने जितनी articles में पढ़ा है वो मुझे कहीं पे भी misunderstanding नहीं लग रहा था. And as I said before, being a girl, I'm going to support them. But still, coming back to your film, yes. It's called an imperfect love story. Yeah. So how perfect was the other character with you? Oh, amazing, amazing. I felt like I was शक्ति कपूर. मुझे ऐसा लग रहा है मैं 18 साल की वो 16 साल के. तो इतनी अच्छी हमारी केमिस्ट्री थी सेट पे. इट वाज अमेजिंग अमेजिंग केमिस्ट्री. हम लोग तीन तीन चार चार बजे तक हम शूटिंग करते थे. एंड ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट. उन्होंने करीबन 600-700 फिल्में की है यार. मैं मेरी दूसरी फिल्म में बहुत छोटी हूँ उनके सामने. फर्स्ट डे जब हमारा शूटिंग का था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. ही हेल्प मी अ लॉट. ही हेल्प मी अ लॉट. देख ही रहे डेफिनेटली आई बिलीव. हालांकि देखो किंगफिशर किया इतने मैगजीन्स के इतना कुछ किया एक वर्ल्ड कप से मैं यहाँ आके बैठ गई. सो आई डेफिनेटली बिलीव इन कर्मा. वर्ल्ड कप के बाद डू यू फॉलो क्रिकेट? नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी. अभी कंटिन्यूस आई बीन वर्किंग सो आई एम नॉट रियली फॉलोइंग. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा पूछते हैं यार क्रिकेट शिकेट कैसा चल रहा है 2019 आ रहा है. ओके क्या थिंक अबाउट इट. या और कोई प्रोजेक्ट्स है इसके बाद? आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस इफ आई एम गोना टॉक अबाउट इट राइट नाउ. डिप्लोमेटिक स्टूपिड आंसर भी नहीं देना है मुझे. अनलेस एंड अंटिल आई साइन द एग्रीमेंट इट मेक्स सेंस फॉर मी टू टॉक. सो कल पिक्चर रिलीज हो रही ऑलरेडी बाहर न्यूज़ मुझे भी जस्ट नीचे मिली कि हाउसफुल जा रहे हैं. सम बट feeling bit lucky on that part. Sir, आप लोग भी जाइए देखिए प्लीज मुझे आपका रिस्पॉन्स दीजिए. हाँ बहुत ज़्यादा. देखो मेरा बॉडी गार्ड भी तो मैं सब मतलब मैं भी मुझे पानी पिलाओ मुझे फीलिंग सो. बट पूनम जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पब्लिसिटी स्टंट की बात करते हैं तो हाउ फार डज हेल्प इन गेटिंग प्रोजेक्ट्स और यू नो गेटिंग योरसेल्फ एस्टैब्लिश्ड इन इंडस्ट्री. आपने जो किया वो पब्लिसिटी स्टंट था लेकिन वो हार्मफुल नहीं था. लेकिन जो हार्मफुल होता है उसके बारे में बताइए कि आई थिंक उसे अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज एट द एंड सी हूएवर यू आर. आई थिंक आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल यस्टरडे कि यू नो आप अगर सुपर स्टार के बेटे हो तो आपको काम मिलना आसान हो जाता है. वट एवर आई वुड नॉट नेम बदर आर सो मेनी सुपर स्टार जिनके बेटे और बेटियाँ अभी भी यू नो पीपल आर नॉट लाइकिंग दैम. सो एट दी एंड इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट. इफ पीपल आर लाइकिंग यू इफ़ यू गो आउट और अगर आपके साथ 10 लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और आपको पसंद कर रहे हैं तो एट द एंड वही चीज़ जो होती है जो आपके पास होती है आपकी एक्टिंग आप कैसे वो चीज़. पब्लिसिटी स्टंट आई वुड से आई वोंट डिनाई आई डिड इट. इट हेल्प्ड मी. बट किसी को तकलीफ पहुँचाना और किसी का गलत इस्तेमाल करना आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग. आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग. या अमेजिंग रिस्पॉन्स. आई थिंक बुक माई शो पे काफी सारे थिएटर्स ऑलरेडी हाउसफुल है. I just got to know from my manager and I'm very happy and very excited that that people actually want to you know they actually want to go and see the film and the houseful hona apne aap mein. I'm feeling lucky about that part. We all know how special this project is for you. You know there were some films which you were a part of but then comes this cinema, you know, this kind of movie and you I mean right from the first frame itself jab logon ne trailer bhi dekha रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है मुझे कर्मा का. मेरे
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था है. आई थिंक करीबन 14-15 मिलियन व्यूज़ हैं टोटल. एक बहुत प्यारा सा गाना जिसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है द शुगर बिस्किट, जहाँ पे आप मुझे और शक्ति कपूर जी को झरने में नहाते हुए एंड डूइंग ऑल दैट, यू वुड सी दैट. सो आई एम लविंग इट. एंड देयर इज अनदर सॉन्ग इन द फिल्म मौला, जहाँ पे यू वुड सी मी क्राइंग एंड ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट पीपल थॉट दैट इट इज़ ओनली अबाउट सेक्शुअलिटी एंड दे थॉट अच्छा पूनम पांडे तो प्रॉबेबली इट विल बी अनदर सेक्शुअल content sort of a film, but I'd like to tell everyone this, that wo hai, main deny nahi karungi because that's what my fans expect from me aur main unko niraash nahi karna hai mujhe. But uske alawa there's a good content, there's a good story of the film jiska trailer ka and the song ka us cheezon ko leke acha response aa raha hai. Shakti Kapoor ji ke sath bahut sare bold scene dekhe aapke, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, क्योंकि पहली फिल्म कर रहे हैं आप उनके साथ, वो बहुत सालों से लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मुझसे ज़्यादा डरे हुए थे. आई रिमेंबर जब हम लोग जब हम इंटरमेट सीन्स कर रहे थे तो ही वॉज आस्किंग फॉर वाटर एंड चाय एंड ही वॉज लाइक पूनम मेरी फैमिली देख लेगी, तो मैंने 600 फिल्में की अभी तक मैंने कोई किसिंग सीन नहीं की मेरी पूरी लाइफ में, पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट. एंड आई वाज लाइक सर आपको कुछ चाहिए, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट समथिंग, अरे चारी लाओ पाई लाओ, यू नो गिव हिम समथिंग राइट नाउ टू काम हिम डाउन, बिकॉज आई थिंक ही वॉज मोर नर्वस देन मी. एंड हम दोनों ने बहुत सपोर्टिवली, वी वर लाइक जस्ट एक टेक करके ख़त्म कर देते बिकॉज सेकेंड टेक पे ना जाए, इट वॉज हिम. So I was feeling like a man over there. It's like kuch nahi ho jayega, ho jayega. So I was doing that. So it was fun. So matlab keh sakte hain ki Shakti Kapoor ji ko bold scene karna sikhaya aapne is film mein? Nahi. Main ek experienced mahapurush ko bold scene karna nahi sikha sakti hu. Dekhiye, aap topic ko kahin aur mat leke jaiye. Main koi controversies nahi karne wali. He is a very dear friend of mine. नहीं मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाया. बिग टाइम यार, स्कूल टाइम से आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम. वो पता क्राइम मास्टर गोगो से लेके उनकी सारी फिल्में हम लोग आई हैव सीन कितनी बार, तो सेट पे यू नो एज लाइक कि हम ठीक है, हमारी तो लाइन्स ठीक है, मतलब एक बार वो क्राइम मास्टर गोगो की लाइन बोल देते तो And what an amazing guy he is. He used to say that for me to entertain me. I was like, this is so sweet. Yeah. और the journey of karma में कितना believe करती है, और इस film में karma किस तरह की होने वाली है, अगर audience को उस बारे में थोड़ा बताएं अपने किरदार के बारे में. Karma में बहुत ज़्यादा believe करती हूँ my friend. I always wanted to be an actor. Apart from whatever character I am, whatever stuff I've done in my life. But that's what I always, and I don't belong from any filmy background. I don't have a godfather sitting on my head, or I don't come from a superstar's family, you know, that I would get an easy break anywhere. So today when I go out and when 20 people click picture with me and when they recognize me, I feel very proud of myself. So I definitely believe in karma. Rahi is karma ki baat, to I'm playing an 18-year-old in the film. और मैं खुद वैसे भी 20 साल की हूँ, 26 साल, तो या सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी जहाँ पे उसकी मॉम है, उसके डैड नहीं है, बहुत ही गरीब घर की लड़की है ये, एंड शी वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ. बहुत हार्ड वर्किंग है, शी वांट्स टू गो टू अमेरिका. तो जब एक स्लम की लड़की को अमेरिका जाने की ड्रीम्स होते हैं ना, और किस तरीके से वो उसे पूरा करने के लिए पीछे पड़ती है, एंड हाउ शक्ति कपूर जी की एंट्री होती है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी. एंड यू नो व्हेन आई सी द जर्नी ऑफ कर्मा, जब मैं कर्मा की स्टोरी देखती तो आई फील लाइक यू नो दिस इज़ सो मच कनेक्टेड टू मी, बिकॉज अबाउट मी एवरीबॉडी नोज दैट यू नो दैट पूनम पांडे, या दिस इज़ द गर्ल शी पोस्ट पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स हाउ वी नो हर. But nobody has no idea how much hard work I've done in my entire life to get here. So yeah, I think
it's complete hard work, my friend, for everything. मतलब फिल्म के साथ पूनम को भी, पूनम की भी थोड़ी बहुत लाइफ को. Absolutely, yeah, yeah, you will. But Poonam, your fans are watching you like this, you know, doing some bold characters in cinema. Mm-hmm. But are there any plans to do something else? You know, कुछ एक ऐसा कोई character जो ज़हन में हो, you wanted to do something that way, ऐसे कुछ है plans? My dream role, I want to play one biopic that's in my head since I was a kid. I always want to play Rekha ji. Yeah, I always want to play. Aur agar woh nahi hoga to probably, I just want to play that. That's in my head always. So probably, inshallah, I would get something. But why Rekha? I mean, Unhi ka naam kyun? I've been a very big fan of her since my childhood days. And mujhe bahut log mujhe bolte hain ki, who are you inspired by? And I would say Rekha. And I'm like, yeah. But bit of Poonam Pandey there. So yeah, I like Rekha, I like Kajol. They are my favorite actors where I actually see acting and not just a fair skin coming out there and have no idea about acting, but just because she's fair, she would get the jobs, you know. And this is a bit, come on, it's a reality and we all know that. So. पूनम लास्टली मीटू की स्टोरी जो आपको पहले भी पूछा था तो तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जी पे एलिगेशन लगाया था तो मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा एज डिफरेंस था दोनों में यहाँ पर भी शक्ति कपूर और आप हैं तो मीटू स्टोरी को लेके क्या कहना चाहेंगे और जो बॉलीवुड में चल रहा है तो कितना फैन मानते हैं आप इस चीज को. वेल आई एम व्हेन इट स्टार्टेड ना द वेरी फर्स्ट नेम नाना पाटेकर जी का जब नाम आया I had this feeling that more names are going to come out. It was very obvious. And right now I'm still having this feeling no, ki bas chingari lagi hai, abhi to aag lagna baki hai. If you ask me, like I said before, when I'm reading most of the stories, for me it's quite believable. So, and I don't know why I'm feeling this, that I don't think so that just to get some jobs or some sort of attention. I don't think that somebody would just get up and just blame a name. Though, I'm not the right person to speak on that. And of course, I'm not going to give a diplomatic answer over here. There are people sitting, there are the laws and of the country. There are, they're taking care of it. Such. कितना टाइम आप छुपा सकते हो. आप अभी चिल्ला के बोल दोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो हुआ, एंड यू नो व्हाटएवर. बट देन द ट्रुथ हैज टू कम आउट देयर. सो आई थिंक इट विल बी आउट देयर सून. तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. लेकिन आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए आगे भी? इन अ सर्टेन वे आई वुड से यस. नॉट जस्ट इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई वुड थिंक ये हर एक जगह पे होना चाहिए. जो एक्चुअली हो भी रहा है. आई रेड कपल ऑफ पॉलिटिकल थिंग, आई रेड कपल ऑफ स्टफ. या सो आई थिंक या बिकॉज कहीं ना कहीं नो देन पीपल वुड थिंक ओके यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग बैड टू हर. प्रॉबेबली आई वोंट प्ले अराउंड विद हर, यू नो. ये हो सकता है. सो पीपल वुड टेक गर्ल्स मोर सीरियसली, स्पेशली द गर्ल्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, जो उस गैंग में नहीं होते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स बैठे हैं. उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते. पर जो नई लड़कियां आती हैं बाहर से, दे आर इजी टारगेट नो, बिकॉज दे लाइक व्हाट इज यू नो, आई एम अ बिग फिश, मेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता. दैट वे इज या सुपर. तो पूनम ज्यादा ने जो व्यूअर्स हमें देखते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे तो ओन स्टाइल एंड समथिंग इन माय ओन स्टाइल? Well, I'm just going to say my film is releasing, The Journey of Karma, and I'm super super excited. ऑलरेडी काफ़ी सारे शोज हाउसफुल हो चुके हैं, मुझे न्यूज़ मिली है. मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे अभी तक, जस्ट गिव मी मोर लव, और मैं आपको भी उतना ही प्यार मेरे अंदाज में देती रहूँगी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. द जर्नी ऑफ कर्मा, क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? कल फिल्म रिलीज होने वाली है, मतलब क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं है. और जो है कल पूनम पांडे जी को आप जो है एक नए अंदाज में देखेंगे, जो कि इनकी पूनम पांडे जी की जो छवि है उसके आप विपरीत बहुत ही अच्छा इस फिल्म में देखने वाले हैं. पारिवारिक फिल्म है, ऐसी कोई बात है नहीं.
बहुत अच्छी फिल्म है। पूनम पांडे किस तरह से बोल रहे हैं? देखिए जो करेक्टर है पूनम पांडे जी का वो इस फिल्म के अंदर बहुत एक गरीब लड़की का है, लेकिन उसके एम्बिशन जो है बहुत अच्छे ज़्यादा हैं, बड़े हैं, वो पूरा करने के लिए इनको कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। तो उस एंगल से हमें देखते हुए पूनम पांडे जी कुछ थोड़े बहुत जो फिल्म का सब्जेक्ट है उसमें थोड़े बहुत बोल्ड सीन हैं, लेकिन इतने नहीं है कि वो फैमिली के साथ जाकर ना देख पाएँ या डिस्टर्ब करें। तो उस एंगल से जो है पूनम पांडे जी बेस्ट इस फिल्म के लिए च्वाइस है। देखो एक्चुअल में क्या है, शक्ति कपूर जी का बहुत पुराने एक्टर हैं और जो उनका लुक हमने दिया है इस फिल्म के अंदर वो एक ओल्ड आदमी का, और जो उसकी हमने मतलब गेटअप जो दिया है वो उसके हिसाब से शक्ति जी इस करेक्टर के साथ जस्टिफाई कर सकते थे, तो उन्होंने किया। तो हमें ये इस फिल्म के करेक्टर के अनुसार दोनों की जोड़ी फिट लगती थी, इसलिए हमने लिया। कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कहानी? देखिए ये एक बहुत गरीब लड़की की कहानी है जो कि परिवार से गरीब है, उसके साधन नहीं हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करके अपने एम्बिशन को वो पूरा करने की कोशिश करती है। उसको बड़ी तकलीफें आती हैं लेकिन वो उनसे बड़ी पाक और साफ निकल जाती हैं। और जो मेन इसमें एक मैसेज भी है फिल्म के अंदर कि भी ऐसी जो लड़कियां जो समाज के अंदर हमारे यहाँ पे मान लिया फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनके माँ बाप, तो हमने ये कोशिश की कि भी उसके अंदर पूरे समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसी गरीब लड़कियों की हमें हेल्प करनी चाहिए, गरीब परिवारों की, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। इसलिए हमने इसके अंदर एक चीज़ और की है, ये मैं फिल्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी अंतर आत्मा है कि बाकी देखो ये तो भगवान के हाथ में है कहाँ सक्सेस मिलती है कहाँ नहीं मिलती है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ इस फिल्म से जो भी मेरे को आय होगी 10% इस फिल्म की आय का मैं गरीब लड़कियों के लिए, कोई भी संस्था या कोई भी डायरेक्ट गरीब परिवार हो आकर हमसे मिल सकता है और हम उसकी पूरी पढ़ाई तक एंड तक हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।